श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। भगवान शिव की पूजा अत्यंत सरल मानी जाती है। भगवान शिव ऐसे देवता हैं जो बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो महादेव को प्रसन्न करने के लिए किसी भी दिन उनकी पूजा की जा सकती है, लेकिन प्रदोष का दिन, शिवरात्रि का दिन, सोमवार का दिन, ये शिव की पूजा के लिए खास होता है। इन दिनों में शिव जी की आराधना करने से भोले शंकर की विशेष कृपा पाई जा सकती है। आइए जानते हैं शिव पूजा से जुड़े सरल और प्रभावी उपाय, जो कि हमारे जीवन के बड़े बड़े कष्ट को दूर कर देते हैं। यदि आपका पुत्र क्रोधी है, गलत संगत में है, तो क्या कीजिए? आपका पुत्र कितना भी क्रोधी, कितना भी जिद्दी हो, आपकी बात नहीं मानता हो, तो शंकर जी के मंदिर में लाल चंदन और शहद, उसके दोनों हाथों से लाल चंदन और शहद का लेपन करवाइए पूरी शिवलिंग में। शिवरात्रि के दिन करवाना है ये। 12 महीने शिवरात्रि आती है, आप 12 महीने में से किसी भी शिवरात्रि पर आप ये उपाय कर सकते हैं। शहद और लाल चंदन का उसके दोनों हाथों से शिवलिंग पर अच्छे से लेपन करवाइए। इससे बच्चे की जिद कम हो जाएगी, बच्चा अच्छी संगति में रहेगा, सद्बुद्धि आएगी, उसमें गुणवत्ता आएगी। ऐसे ही और उपाय और वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।